सो वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं होंडा कंपनी के बारे में। यस, काफ़ी समय से इसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आई, बट अब फाइनली एक न्यूज़ आ चुकी है। काफ़ी समय से होंडा कंपनी इंडियन मार्केट को एनालाइज कर रहा है। इवन जो CEO है इनके, वो भी काफ़ी समय से यही इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो अपनी डिज़ाइन टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, गाड़ियों पे काम कर रहे हैं, मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी इंडिया में लॉन्च करना सही रहेगा उस पर भी काम किया जा रहा है काफ़ी समय से। और इनके जो सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उनके तरफ से भी यही स्टेटमेंट आया था कि हम अभी मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं कि देखते हैं कि किस हिसाब से EV का मार्केट इंडिया में ग्रो होता है। एंड वो चीज़ कंपनी को समझ में आ चुकी है कि ये ग्रो बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये रैपिडली ग्रोइंग जो चीज़ है वो सेल्स फिगर में देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम में होंडा की तरफ से एक डिज़ाइन पैटर्न लीक हुआ है, बेसिकली सारे BDS के जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो पैटर्न है ये बेसिकली होंडा एक्टिवा को ही थोड़ा अपडेट करके EV में कन्वर्ट करके शोकेस किया गया, बट ये गाड़ी नहीं है, ये पैटर्न है, अभी भी ये फाइनलाइज नहीं है। हालांकि इस टाइप की गाड़ी ये डिज़ाइन करने का सोच रहे हैं। पैटर्न पहले देख लो तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। देखो, ये गाड़ी देखने में तो आपको एक्टिवा जैसी देखने को मिलती है, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलती है। सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो रियर एंड है, जिस पर सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट हुआ। अभी तक जितनी भी गाड़ी हमने देखी बड़ी बड़ी OEMs की, जो नई नई कंपनी आ रही है उनकी, इसमें भी हमने देखा है कि मिड साइड मोटर यूज़ करते हैं। बट ये जो पैटर्न अभी लीक हुआ है इसमें देखने को मिल रहा है कि रियर साइड में TVS जैसा ही आपको मोटर देखने को मिल रहा है, यानी BLDC मोटर। पैटर्न की बात करो, गाड़ी अभी तक आई नहीं है, पैटर्न में BLDC मोटर शोकेस हो रहा है होंडा के इस वाले पैटर्न में। साथ में जो स्विंग आर्म है वो नया देखने को मिल रहा है, और जैसे कि आप लोग पता है BLDC मोटर है तो यहाँ पर स्विंग आर्म थोड़ा डिफर होता है, यानी कि यहाँ पर डुअल सस्पेंशन देखने को मिलेगा आपको जो होंडा की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होगी उसमें, एज़ पर द डिज़ाइन जो लीक हुआ है। इवन इसका जो हैंडल है, हैंडल बार है, वो भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। इवन जो फ्रंट का जो फेंडर है वो भी आपको चेंज देखने को मिल रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, फ्रंट का जो व्हील है वो आपको 12 इंच का देखने को मिल रहा है। एज़ पर द पैटर्न फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, काफ़ी अच्छा फ्लोरबोर्ड देखने को मिल रहा है, बट जो हेडलाइट है वो आपको एक्टिवा जैसा देखने को मिलता है। इवन जो रियर एंड है वो भी आपको एक्टिवा जैसा देखने को मिलता है। हालांकि ज़्यादा इसमें स्पेसिफिकेशन वाइज नहीं बताया गया, बट मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अलावा भी एक और पैटर्न है इस गाड़ी से रिलेटेड ही, वो भी आप देख लो, इसकी बात करो। ये बेसिकली हब मोटर को डिज़ाइन कैसे किया गया है, इवन DC कन्वर्टर कैसा है उसके बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भैया बहुत सारी चीज़ें अब होंडा की तरफ से देखने को मिल रही है, और होंडा एक ऐसी कंपनी जो IC इंजन में सेकंड नंबर पे चलती है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा सेलिंग टू व्हीलर कंपनी भी है। हीरो के बाद होंडा ही आता है इंडिया में इन IC इंजन जो अपनी गाड़ियों को सेल करता है। एंड वो कंपनी अपनी गाड़ी अगर EV में लॉन्च करता है तो समझ सकते ना कितना लोग ज़्यादा कन्वर्ट होंगे EV वाले, जो गाड़ी दूसरी परचेस करने का सोच रहे होंगे वो फिर होंडा की ये गाड़ी लेंगे, क्योंकि माइंडसेट वैसा हो जाता है। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल हो सकता है होंडा कंपनी के लिए अगर वो अपनी गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करते हैं। जब ये सारी चीज़ें चालू हो चुकी है तो बहुत जल्दी आपको होंडा की तरफ से भी अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 3 महीने के अंदर आपको सुनने को मिल जाएगा। राइट नाउ ये सारी चीज़ें हम इसलिए बोल पा रहे हैं, इसके पहले ना ही कुछ पैटर्न था, ना ही कुछ अते पते थे, तो बस ऐसे ही चल रहा था। राइट नाउ पैटर्न्स आने लगे, बहुत सारे मीडियाज को दिया गया, मैं अकेले में ऐसे नहीं बोल रहा कि लोकल मीडियाज, ऑटोकार आपको पता ही होगा बहुत बड़ी कंपनी है जो रिव्यूज़ करती है, यूट्यूब पे चैनल है, उनका वेबसाइट है, प्लस उनके मैनेजर्स है, बहुत सारे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बोल सकते हैं ऑटोकार, इवन पावर ड्रिफ्ट, काफ़ी लोग के पास ये वाला जो लीक इमेज है पहुँचा है। सो इससे ये नहीं है कि ये गलत है, ये लगभग 80-90% सही है, बट फाइनल प्रोडक्ट में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, बट ये पैटर्न है जिस पे एक्चुअल में होंडा कंपनी वर्क कर रही है। तो बस आज की वीडियो बस इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे तो प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।